दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं क्या बिहार स्पेशल जीके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी आपके बीपीएससी यानी बिहार से संबंधित आपका कोई भी अगर एग्जाम है तो बिहार स्पेशल उसमें पूछा जाता है, उसके बेसिस पर ही ये सारी चीजें कवर की जा रही हैं। ये बीपीएससी से रिलेटेड आपके सारे फैक्ट्स को कवर करेगा, यानी ये आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वहां कई सारी चीजें डिस्कस कर ली गई हैं। अगर आप चीजों को लाइन बाय लाइन यानी हर एक वीडियोस को वन बाय वन देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली चीजें आपको समझ आने वाली है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक से, यानी आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उससे पहले देख लीजिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिस तरीके से व्हाट्सएप का यूज करते हैं उसी तरीके से टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम, राइट, आप हमारे वीडियो जो आपको वीडियो मिलती है उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होता है, वहां से भी जाके डायरेक्ट उस पर कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको होता क्या है कि आपको कई सारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं जो यूट्यूब बेसिकली नहीं दे पाता है कई सारे वीडियोस का, वो आपको यहाँ पे तुरंत प्राप्त होता है, डलते ही आपको सारी चीजें मिलने लगती हैं। और कई सारी चीजें नोटिफिकेशंस पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें होती हैं हम सबसे पहले यहीं पे अपलोड करते हैं, उसके बाद ही आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। चलिए, हाँ एक और चीज, अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा का पूरा बीपीएससी का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक से, यानी आज हम बात करेंगे आपके अपवाह तंत्र के बारे में या नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी ये नदियां दी गई हैं, सारी की सारी ये आपकी नदियां हैं और उसका ये पूरा का पूरा जंजाल है कि किस तरीके से आपकी जो क्षेत्र में जो नदियां फैली हुई है वो सारा का सारा यहाँ पे देने की कोशिश की है। आइए देखिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं या फिर किसी भी स्थान के बारे में जानते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां की जो उपयोगिता है, वहां की जो स्थान की उपयोगिता है वो क्यों है, क्यों है, क्योंकि वहां पर आपने कहीं ना कहीं एक ऐसे पानी का, एक ऐसे जल का संसाधन देखा होगा जो कि उस स्थान को डेवलप करने में काफी सहायता प्रदान की होगी, ठीक है। आपने कई सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपने जाना होगा, ठीक है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके ही आसपास लोग रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, क्योंकि जल ही जीवन है ये वाली कहानी प्राचीन में भी प्रचलित थी, मध्य में भी प्रचलित थी, आधुनिक में भी प्रचलित है और आने वाले समय में भी प्रचलित रहेगी, ठीक है। तो जल की इतनी महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है कि हम उसके आधार पर अपने आर्थिक जो हमारे संसाधन होते हैं, आर्थिक जो हमारा विकास होता है उसका हम अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अपवाह तंत्र होता क्या है, अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियां, देखिए ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, राइट, जो कि पूरे बिहार में बहती है और लगभग बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार में, ठीक है। तो अगर हम और चीजों को देखें तो अपवाह तंत्र क्या होता है कि किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह, क्या जल प्रवाह, वाटर फ्लो की व्यवस्था है, क्या है ये जल प्रवाह, सॉरी अपवाह तंत्र क्या है दोस्तों, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा जंजाल है ये आपकी गंगा नदी है, राइट, और ये आपका ये क्या है, सहायक नदियां हैं इसकी, इसके द्वारा ये जो जलजाल बुना गया है ये सारा का सारा अपवाह तंत्र है, राइट, अपवाह तंत्र कहते हैं इसको, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम,
राइट, समझ में आया आपको? काफी सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की जो महत्वपूर्ण नदी है वो आपकी क्या है? वो आपकी है कौन सी? गंगा नदी है, जिसने बिहार को उत्तर और दक्षिण में काफी मध्य में से जाती हुई उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करने की लगभग पूर्ण कोशिश की है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो पूरे के पूरे बिहार में बहती है। राइट, अब चलिए और चीज देखते हैं क्या है। बिहार में अक्सर क्या होता है, हर वर्ष लगभग उत्तर बिहार में क्या है, बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए बूढ़ी गंडक घाघरा बागमती कोसी राइट बालसोन महानंदा ये ऐसी नदियां बहती हैं जो कि इनका प्रवाह क्या है बहुत ही अत्यधिक है और ये आकर कहाँ मिलती हैं? गंगा में मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर बाढ़ की समस्या बनी रहती है और इस बाढ़ की समस्या के कारण अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, अपवाह तंत्र कैसा है अपवाह तंत्र कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, सही है या फिर गलत है? ये आप मुझे बताइए कि यहाँ का जो उत्तर बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, वो कैसा है, उपयुक्त है या फिर अनुपयुक्त है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। राइट, चलिए और देखें कि अगर देखिए किसी भी देश का या किसी भी स्थान का अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है तो वहां की जो आर्थिक स्थितियां होती हैं, वहां की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या फिर जल संकट जो होता है उससे निपटा जा सकता है। ठीक है, अगर वहां का जल संकट, प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़ या सूखा जैसी जो भी समस्याएं होती हैं, अगर वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अगर ठीक नहीं होगा तो वहां की इन चीजों से जो हमारी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनसे नहीं बचा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो हमारा अपवाह तंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ही हम इसको आर्थिक दृष्टि से यानी आर्थिक विकास की दृष्टि से भी देखते हैं, सामाजिक विकास की दृष्टि से भी देखते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखते हैं। कई सारे जो हमारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण विकास हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जल से ही जुड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण उपयोगिता आपकी क्या है, जल ही है और जल के बाद ही कोई। आप खाने के बिना 10 दिन रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना 10 दिन नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये उपयोगिता है, ये महत्वपूर्ण उपयोगिता है जल की, जल संसाधन की। चलिए, नदियों के उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, उद्गम क्षेत्र के आधार पर। ठीक है ना, उद्गम यानी ओरिजिन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला ये बांटा गया है और दूसरा ये बांटा गया है, यानी उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों में बिहार की नदियों को विभाजित किया गया है उद्गम क्षेत्र के आधार पर। राइट, उत्तर बिहार की नदियों में जैसे कौन कौन सी नदियां हैं हमारी, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बलान है, बागमती है, कोसी है। दक्षिण बिहार की नदियों में कौन कौन सी हैं हमारी, सोन है, अजय है, पुनपुन है, चाचन है, फल्गु है, सकरी है, पंचाने है और कर्मनासा। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि आपकी उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों में जिस तरीके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है बिहार की नदियों को। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए, गंगा के उत्तर या उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली हमारी जो महत्वपूर्ण नदी है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि गंगा नदी क्या है। गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं और प्रमुख पवित्र नदी है किसकी, बिहार की भी और देश की भी, तो इसको हम पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। चलिए, क्या क्या है इसकी कुल लंबाई, देखिए कुल लंबाई इसकी कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर इसकी लंबाई बिहार में आपको बिहार में देखने को मिलेगी। इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, इसका प्रवाह क्षेत्र है 15,165 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये शॉर्ट में और क्रिप्सी
क्या हैं आपके फैक्ट्स हैं इसको ध्यान में रखिए। उद्गम स्थल क्या होता है, ओरिजिन यानी कहां से ये निकल कर आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कहां से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से, कहां से, गोमुख नामक स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद या फिर कह लीजिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब जैसे वहां से निकलती हुई आती है तो उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। कहां से, उत्तर प्रदेश के बिहार में, कौन से, बक्सर जिला में, उत्तर प्रदेश के बिहार में बक्सर जिला में ये प्रवेश करती है। बक्सर जिला देख लीजिए आपका कहां है, ये रहा आपका बक्सर जिला के चौसा में, यहां पे प्रवेश ये आपकी नदी करती है। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, प्रवेश करती है बिहार के मध्य भाग में, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। कहां से होती है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस तरीके से होती है पश्चिम से पूरब की ओर। गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। कहां से, गंगा नदी बिहार एवं, कहां, गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के, किसके, बिहार एवं झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ये आपका ओरिजिन था, ये आपका ओरिजिन हो रहा था, राइट, और ये आपका क्या हो रहा है, ये आपके कहां से निकलती है, किस स्थान से इस बिहार से निकल जाती है, वो आपको यहां बताने की कोशिश की जा रही है। अभी इसके जो आसपास जिले कौन कौन से हैं, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में यह प्रवाहित होती है, या फिर कह लीजिए गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार के ये प्रमुख जिले हैं जहां पर आपको गंगा नदी प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी हैं, बाएं तट पर अगर हम बात करें, देखिए अब यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बाया तट कौन सा है और दाया तट कौन सा है। देखिए अभी हमने क्या देखा था, ऊपर हमने अभी क्या बात की थी कि जो हमारी गंगा नदी है वो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये आपका क्या है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, यानी ये पश्चिम है और ये आपका पूरब है, और इस तरीके से आपकी क्या है, ये बह रही है कौन सी, गंगा नदी। अब जब ध्यान रखिए कि जब कोई चीज इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो आप बताइए कि इसका राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, जाहिर सी बात है इसका लेफ्ट किधर होगा। देखिए फेस इसका इधर, मानिए फेस इसका अगर इधर है, ये फेस है, आप खुद को अज्यूम कीजिए कि आपका फेस किधर है, आपका फेस फेस पूरब की ओर है और आपकी जो पीठ है, बैक है, वो क्या है, आपके पश्चिम की ओर है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, लेफ्ट आपका ऊपर होगा और राइट आपका नीचे होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां जो हमारी बाएं तट यानी लेफ्ट पर, इसको हम बोलते हैं, बाएं को बोलते हैं लेफ्ट और दाएं को बोलते हैं राइट, या फिर अगर आप दाया नहीं याद कर पाए या आपको बाएं और दाएं में कंफ्यूज होता है, तो एक चीज ध्यान से रख लीजिए कि दाया उसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, जिस हाथ से हम क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, उसको हम दाया हाथ कहते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है, बेसिक सा, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जब आपको क्या है, दाया ध्यान में रहेगा कि जिस हाथ से हम दाल खाते हैं उस हाथ को क्या बोलते हैं, दाया हाथ बोलते हैं, राइट, और बाकी का जो बचा है आपका बाया है, राइट। देखिए क्या है, यहां से इस तरीके से बह रही है आपकी नदी और ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर है, ये आपका बाया हो गया और ये आपका दाया तट हो गया। अब यहां वही बात की जा रही है कि बाएं तट पर और दाएं तट पर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो इस गंगा की सहायक नदियां हैं, यानी यहां से आने वाली नदियां और यहां से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये अगर आपकी गंगा नदी है तो, राइट, ये आपकी गंगा नदी है तो ऊपर से आने वाली और नीचे से आने वाली, दाएं तट से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहां पे देखिए घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है, कमला है, ये आपकी कौन कौन सी नदियां हैं बाएं तट पर, बाएं तट से बहती हैं, और दाएं तट पर कौन कौन सी हैं, सोन है, करमनासा है, पुनपुन है, फल्गु है, हरोहर है, क्योल आदि नदियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि इसके किस पर बहती हैं, दाएं तट पर बहती हैं। समझ गए, आप समझ गए होंगे, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने यहां आपके माध्यम पे की है। चलिए
ये क्या हो गया, अब ये के पूरा का पूरा ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, जंजाल हो गया, यानी ये आपका पूरा का पूरा गंगा का जो अपवाह तंत्र है वो हो गया, या प्रवाह तंत्र आप कह लीजिए इसको, ये वो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में गंगा नदी का ढाल बहुत मंद है, क्या है, काफी कम है, क्योंकि इस तरीके से ढाल होता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि मंद ढाल तीव्र ढाल ये क्या होते हैं, पहली वीडियोस नहीं देखी आपने तो जाइए उसको देखिए। बिहार में गंगा नदी का ढाल बहुत ही क्या है, मंद है, इसलिए वर्षा के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जब स्थान क्या है, ढाल जब मंद होगा तो क्या होगा, पानी आएगा, वर्षा आएगी तो क्या होगा, पानी पानी का जमाव होगा और पानी ये भरता ही रहेगा। तो जो बाढ़ आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बिहार में गंगा नदी का ढाल क्या है, काफी मंद है, इसलिए वहां पर बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है। यानी एक ये प्रमुख प्रमुख कारणों में से एक ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि अगर तीव्र ढाल होगा, देखिए मानिए ये क्या है, तीव्र ढाल है, कोई चीज यहां से नीचे आती है तो क्या है, बड़ी प्रवाह के साथ नीचे जाएगी। और अगर कोई किसी भी स्थान का अगर इस तरीके का ढाल है, ये देखिए यहां इस तरीके का अगर ढाल है तो यहां से अगर कोई चीज वस्तु आती है तो बड़ी धीमे 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 इस तरीके से यहाँ नीचे वो जाएगी, और ये कंटिन्यूटी अगर आती रहेगी तो यहाँ ये क्या जमाव होता रहेगा, इसका भरता रहेगा। तो यहाँ इस सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि ढाल मंद होना और तीव्र होने में क्या क्या अंतर हो सकता है। अगर यहाँ गंगा नदी का अगर ढाल तीव्र होता तो क्या होता, यहाँ पर बाढ़ की समस्या में काफी गिरावट आपको देखने को मिलती। सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर मिलती है। कौन सी, सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में कौन सी, सोन नदी दानापुर से पश्चिम से मनेर के पास आकर ये मिल जाती है। दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर यह मिलती है। गंगा नदी यातायात एवं व्यापार के लिए उत्तम साधन है, होगा होना भी चाहिए, क्या है इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, कम है। पूरे के पूरे बिहार को यह दो भागों में विभाजित करती है और पूरे के पूरे बिहार में आपको यह देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है इसका हमें उपयोग लेना चाहिए। इसका हमें क्या लेना चाहिए, इसकी उपयोगिता साबित करने के लिए हमें यहाँ से कई सारे जो यातायात एवं व्यापार के लिए जो साधन होने चाहिए वो उत्तम होने चाहिए, और यहाँ की जो गंगा नदी है इसको आर्थिक सहयोग के आधार पर चीजें इसमें करनी चाहिए, आर्थिक विकास के लिए इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता लेनी चाहिए बिहार में, राइट। अब हम बात करेंगे गंडक नदी के बारे में। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 630 किलोमीटर है, बिहार में इसकी 260 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम कहां से इसका, नेपाल में अन्नपूर्ण श्रेणी। अभी आप यहां से एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि अन्नपूर्ण श्रेणी आपकी कहां है, नेपाल में है, के मानपोर तथा कुटान के मध्य से यह निकलती है, ठीक है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हुए, कहां से करती है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार के सीमा में प्रवेश करते हुए चंपारण सारण तथा मुजफ्फर जिलों से होकर प्रवाहित ये आपकी नदी होती है। संगम इसका कहां है, देखिए एक होता है उद्गम और एक होता है संगम। उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन, कि कहां से कोई नदी निकलती है, और संगम का होता है कहां आकर मिलती है, ठीक है। संगम इसका क्या है, हाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका संगम है। यूपी बिहार की सीमा रेखा 120 किलोमीटर निर्धारित करती है, यानी हमारी जो नदियां हैं वो भी क्या है, सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। जैसे हमने जिले देखे थे कि कौन कौन से जिले हमारे सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं यूपी और बिहार में, ठीक उसी प्रकार जो हमारी नदियां हैं वो भी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं, कि अगर हम 120 किलोमीटर तक देखेंगे तो जो हमारी यूपी बिहार की सीमा रेखा है वो निर्धारित करती है कौन सी, हमारी गंडक नदी, ठीक है। चलिए काली गंडक, सालीग्रामी, सादानीरा, सप्तगंडकी, नारायणी आदि इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या किस किस के नाम से इसको जानते हैं हम, काली गंडक, सालीग्रामी, क्या सालीग्रामी, सादानीरा, सप्तगंडकी, नारायणी आदि नदियों के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक। चलिए सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से ये गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है, कौन सी, सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए, किसकी सीमा निर्धारित करती है, आपसे पूछ ले जाए कि सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करती है कौन सी नदी करती है, आप क्या जवाब देंगे, आप
देंगे गंडक। कौन सी? गंडक ऐसी नदी है जो कि सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा का निर्धारण करते हुए सोनपुर और हाजीपुर के मध्य से गुजरती है, गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला यानी सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। कौन से? इसी संगम पर। यहाँ जो आपको ये संगम देखने को मिलता है, जहां पर पटना में जो हमारी गंडक नदी है वो आकर मिलती है, इसी संगम पर सोनपुर पशु मेला या फिर कह लीजिए हरिहर क्षेत्र का मेला आपको आयोजित होता है प्रतिवर्ष। गंडक को नेपाल में गंडक नारायणी या फिर गंडकी कहते हैं। गंडक बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन वाल्मीकि नगर में बांध के निर्माण से बाढ़ पर नियंत्रण हुआ है, ठीक है। ये आप यहां से देखिए, ये पूरा का पूरा इसको ऐड किया गया है। कैसे? कि गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं? गंडक नारायणी कहते हैं या फिर गंडकी की नाम से भी जानी जाती है, लेकिन बिहार में बाढ़ के लिए जानी जाती थी। कौन सी? गंडक नदी। लेकिन वाल्मीकि नगर में बांध के निर्माण से बाढ़ पर नियंत्रण हुआ है। किस पर? बाढ़ पर आपको नियंत्रण देखने को मिला है। जब हम किसी बांध का निर्माण कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर कई सारी चीजें हैं जो जैसे बिजली बनाने में जो हमारे जो बांध हैं वो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारे बांध के द्वारा पानी को रोक कर क्या है कई सारी चीजों का, सिंचाई में, बिजली बनाने में और कई सारे अन्य संसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे बाढ़ को भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका था आपके गंडकी नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई क्या है, इसका संगम क्या है, इसका उद्गम स्थल क्या क्या है। चलिए घाघरा नदी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुल लंबाई इसकी 1,080 किलोमीटर है। बिहार में 83 किलोमीटर के क्षेत्र में यह बहती है। उद्गम स्थान इसका तिब्बत में मापचा चुंगो। कौन सी? मापचा चुंगो नदी या गुरला मंधाता चोटी के पास नेपाल से यह निकलती है। काफी काफी बेहतर नाम है इसका, क्या है? बेहतर नाम है, आप इसको ध्यान में रखिए। तिब्बत में कहां से निकलती है आपकी घाघरा नदी? आपकी यह निकलती है माप चा चुंगो हिमनद, तिब्बत में है ये, ठीक है। घाघरा नदी की उत्पत्ति तिब्बत में माप चा चुंगो हिमनद से होती है। इसे नेपाल में कर्णाली तथा उत्तर प्रदेश में सरू के नाम से भी जानते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, उद्गम स्थान है। इसका संगम क्या है? गंगा नदी है, छपरा के पास ये गंगा नदी में आकर मिलती है। उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। सरयू नदी के किनारे क्या स्थित है? अयोध्या स्थित है। और ये अयोध्या क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में है। यूपी बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए सारण जिले में छपरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है। यूपी बिहार की सीमा का निर्धारण करती है ये, और सारण जिले में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। लखनदेई और कर्णाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं, लखनदेई और कर्णाली के नाम से। ये आपकी महत्वपूर्ण फैक्ट है घाघरा नदी के बारे में। चलिए बूढ़ी गंडक के बारे में हम चर्चा करें तो कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। बिहार में 320 किलोमीटर ही यह बहती है। देखिए बिहार में तो इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर ही है, और लगभग 9,601 क्षेत्रफल में ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये बहती है। और इसकी एक और खासियत है, क्या है कि यह जो उत्तर बिहार का मैदान है, उत्तर बिहार का मैदान है उसको क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है, राइट। एक था क्या, ये गंगा नदी बह रही है, ये है दक्षिण बिहार का मैदान, ये है उत्तर बिहार का, और उत्तर बिहार के मैदान को भी ये क्या है, दो क्षेत्रों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। उद्गम स्रोत इसका क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ियों में चौतरवा या फिर कहिए चौतरवा, ये दोनों नाम आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए आपको इसलिए दोनों को मेंशन किया गया है। चौतरवा या चौतरवा चोर से ये क्या है, उद्गम स्रोत है इसका। सोमेश्वर पहाड़ियों, कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ी। अब ये सोमेश्वर पहाड़ियां कहाँ है ये आप हमें कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार डिस्कस कर लिया गया है, कई सारी चीजें पहले ही डिस्कस की गई हैं। आप हमें सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं ये आप हमें बताएंगे। सोमेश्वर के साथ साथ और कौन सी अन्य पहाड़ियां हैं वो आप भी बताएंगे, ठीक है। चलिए संगम इसका कहाँ है, मुंगेर यानी गंगा नदी में इसका संगम आपको देखने को मिलता है।
उत्तर बिहार को दो भागों उत्तरी बिहार मैदान में बांटती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। क्या है? यह हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसका प्रवाह क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर बिहार की सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी है। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर यह बहती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यह बहती हुई निकलती है। प्रमुख सहायक नदियां बागमती है। कौन सी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां? बागमती हैं और अन्य मसान, डांडा, हरहरा, सिकटा, कोहरा, पंडई, तिलावे, धनवती, अंजान कोटे आदि नदियों के नाम से, आदि नामों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, चलिए बागमती के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर की कुल लंबाई है। बिहार में 394 किलोमीटर की प्रवाह क्षेत्र है। उद्गम स्थान इसका महावारा श्रेणी, जो कि आपके नेपाल में स्थित है, वहां से है। और संगम इसका कहाँ है? लाल वकेया नदी यानी देवापुर से इसका संगम स्थल है। नेपाल की सबसे पवित्र नदी के नाम से यह जानी जाती है। काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पर अवस्थित हैं। क्या है? काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसके तट पर अवस्थित आपको देखने को मिलेंगे। बिहार में डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। क्या है ये? डेंग लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, DHENG। डेंग के निकट कहां प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। ये रहा आपका सीतामढ़ी जिला, यहाँ और यहां पर ही क्या है आपका डेंग क्षेत्र है, DHENG। ठीक है, डेंग क्षेत्र में यह प्रवेश करती है। चलिए, यह नदी बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी से मिल जाती है। कहां से मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी से मिलती है। सहायक नदियां इसकी लाल बकेया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनहोरा, कोला, विष्णुमती आदि के नाम से इसको जाना जाता है। आइए कमला नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुल लंबाई इसकी 328 किलोमीटर है। बिहार में 120 किलोमीटर के क्षेत्र में यह बहती है। उद्गम स्थल इसका नेपाल से हिमालय की महावारा श्रेणी से हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। किसमें होती है? नेपाल के तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जयनगर या फिर मधुबनी जिला से यह बिहार में प्रवेश करती है। कहां से? जयनगर से, मधुबनी जो आपका जिला है वहां से यह प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र इसको माना जाता है। मिथिला क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है। अब देखिए, ये भी आपको बताया गया है कि मिथिला क्षेत्र क्या है। अब ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका रिवीजन भी होना जरूरी है। चलिए, आप हमें बताइए कि मिथिला के क्षेत्र में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो शामिल है। सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? सोनी है, डोरी है, बलान है, त्रिशूला इसकी सहायक नदी है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि त्रिशूला जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कमला नदी की कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। कहां पर? सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी है? सोनी, डोरी, बलान, त्रिशूला आदि है। इसकी एक क्वालिटी है, ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा इसकी कहां पर चल जाती है? खगड़िया जिले में बागमती नदी से बागमती नदी से जाकर मिल जाती है धारा। ठीक है, और कोसी नदी से भी यह जाकर इसकी एक धारा मिलती है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र इसका 4,448 वर्ग किलोमीटर का है। ये था हमारी किसके बारे में? कमला नदी के बारे में। आइए अब हम चर्चा करते हैं कोसी नदी के बारे में। कुल लंबाई इसकी 720 और कहीं कहीं 730 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, लेकिन बिहार में इसकी 260 किलोमीटर के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। अपवाह क्षेत्र इसका 11,410 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित। क्या? सीमा रेखा पर स्थित किसकी? नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर स्थित गोसाई थान। कौन सा? गोसाई थान चोटी से निकलती है। ऋग्वेद में उल्लेख कौशिकी नाम से इसका जाना जाता है, यानी ऋग्वेद में इस नदी का क्या नाम है? कौशिकी नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में सप्तकोशी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। सहायक नदियां इसकी अरुण, तामूर, सुनकोसी, लिच्छुकोसी, इंद्रावती, दुधकोसी, तामाकोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी की मुख्य धारा कौन सी है? अरुण और सुनकोसी तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। भीमनगर, सुपौल या जिला के निकट यह बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? ये बिहार में भीमनगर यानी सुपौल जिला। आपका देखिए, सुपौल जिला कौन सा है? ये आपका सुपौल जिला है और भीमनगर यहां पर एक क्षेत्र है, वहां से ये प्रवाहित होती है बिहार में।
ठीक है चलिए, कोसोला या फिर कटिहार के निकट गंगा नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। ये कहाँ मिलती है आकर? कटिहार जो आपका जिला है यहाँ आकर आपको ये किस में मिलती है? गंगा नदी में आकर ये मिल जाती है और इससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन तथा बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्या करती है, ये मान लीजिए आज ये ऐसे बह रही है तो क्या करेगी, ये कुछ समय बाद ऐसे ना बहकर इस तरीके से बहने लग जाएगी। यानी इससे क्या होता है, इसके जो मार्ग परिवर्तन का जो क्षेत्र है, मार्ग परिवर्तन की जो इसकी जो मार्ग परिवर्तन की जो इसका गुण है वो क्या करता है, ये हमारे बिहार के जिलों में जिस जगह बाढ़ नहीं आनी चाहिए थी वहां भी बाढ़ लाने में ये क्या है, प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। मान लीजिए कहीं पर हरी भरी फसलें खड़ी हुई है और जो हमारे अनाज हैं पकी हुई फसलें खड़ी हुई हैं तो क्या होगा, वहां पर अगर ये अपनी जो मार्ग परिवर्तन है अगर ये कर लेती है उस क्षेत्र में, आपको पता है कि यहाँ पर ये बाढ़ नहीं आती है, मानिए इसने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया उस एरिया में, तो क्या होगा, वहां की जो भी जितनी फसल होगी जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसको किसके नाम से ज्यादा जाना जाता है, बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। यह नदी पिछले 200 वर्षों में पूर्व से पश्चिम की ओर 150 किलोमीटर स्थानांतरित हो गई है। यानी ये पहले 150 किलोमीटर पहले यहाँ बहती थी, इस जगह बहती थी, तो अभी कहाँ बह रही है, 150 किलोमीटर स्थानांतरित होकर यहाँ बहने लगी है। तो ये इसका जो परिवर्तन करने का तरीका है वो काफी काफी क्या है, अलग है, जो कि हमारे बिहार में बाढ़ लाने का कारण बनता है। यह नदी पिछले 200 वर्षों में पूर्व से पश्चिम की ओर 150 किलोमीटर स्थानांतरित हो गई है, यह हमने फैक्ट क्लियर कर लिया है। महानंदा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कुल लंबाई इसकी 360 किलोमीटर है और बिहार में ये 324 किलोमीटर के एरिया में बहती है। उद्गम स्थल इसका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की महालदी राम पहाड़ी से होता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी महानंदा नदी है उसका किस पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है, तो आप कहेंगे महालदी राम पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। कहां से होता है, दार्जिलिंग जिले की महालदी राम पहाड़ी से। नौकाघाट के समीप, कहां पर, नौकाघाट के समीप इसमें बालासोन नदी के मिलने के पश्चात यह भारत, वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। ये इसको आप फिर से पढ़िए, क्या है, नौकाघाट के समीप इसमें बालासोन नदी के मिलने से, नौकाघाट के समीप कौन सी नदी मिलती है, नौकाघाट के समीप इसमें बालासोन नदी जो आपकी मिलती है, बालासोन नदी आपको यहाँ पर मिलने को यहां से इससे आकर मिलती है। कौन सी है हमारी नदी, महानंदा से आकर मिलती है। इसके पश्चात ये क्या करती है, भारत यानी वेस्ट बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए, किसकी, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला से बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश यह कर जाती है। यानी इस तरीके से इसका जो किशनगंज जिले में जो प्रवेश करती है ये तरीका क्या है, बड़ा ही डिस्क्राइब करके यहाँ दिया गया, क्योंकि यहाँ पर नागागोट के समीप ये बालासोन से मिलती है, फिर भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए दिनाजपुर जिला में यह मिलती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश यह कर जाती है। सहायक नदी इसकी मैची मिलती है, जो अन्य इसकी सहायक नदियां कनकाई है, टेगौन है तथा नागर इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन इसकी जो मैची क्या है, सहायक नदी इसकी महत्वपूर्ण है। उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली पूरब की ये नदी है, यानी ये पूरब में बहती है, बिहार और बंगाल के सीमा का निर्धारण करती है। किशनगंज पूर्णिया कटिहार जिलों में करती है, किसका, बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन से जिलों में, किशनगंज, ये इस तरीके से किशनगंज पूर्णिया कटिहार जिलों में प्रवेश करती है। कौन कौन से है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार ये आपके जिले हैं, इन जिलों में क्या है, सीमा का निर्धारण करती है। ये आपका वेस्ट बंगाल है और यहाँ है आपका बिहार, तो इसमें इस जो वाला ये जो स्थान है आपका, वो यहां से इसके जो हमारी नदी है महानंदा नदी, उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, सीमा का निर्धारण किया जाता है। मनिहार कटिहार जिला के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा भी था। चलिए ऊपर करते हैं बात,
और क्या है, हमने अभी तक क्या बात की है, उत्तर बिहार की हमने सारी की सारी जो नदियां हैं हमने वो देख ली है, किस तरीके से आपको डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो सारी चीजें हमने वहां देख ली है। आइए अब बात करते हैं आपकी सोन नदी के बारे में, कि अब हम बात करेंगे इसकी पठारी भाग से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने उत्तर बिहार की बात करी, अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार की। सोन नदी इसमें पहली नदी मानी जाती है, पहली नदी देखने को मिलती है जो जिसकी लंबाई क्या है, कुल लंबाई है 784 या 780 किलोमीटर की, और बिहार में इसकी 202 किलोमीटर की कुल लंबाई है। बिहार के क्षेत्र में कितनी बहती है, 202 किलोमीटर एरिया में यह बहती है। उद्गम स्थल इसका अमरकंटक पठार यानी एमपी के मैकाल श्रेणी से होता है, यानी यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। यह नदी ब्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड होते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ये आप ध्यान में रखिए कि कौन से जिले में प्रवेश करती है, बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। संगम स्थान इसका कहाँ है, संगम स्थान इसका आपको गंगा नदी पटना निकट दानापुर एवं मनेर के बीच आपको इसका संगम स्थान देखने को मिलेगा। सहायक नदियां इसकी गोपद, रिहंद, कनहर एवं उत्तरी केवल इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रमुख योजना सिंचाई हेतु डेहरी बांध इसी नदी पर किया गया है। कौन सा, डेहरी बांध इसी नदी पर आपको देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपकी, सोन नदी है। सोन नदी है गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी है। प्रथम बांध इसका 1873 और 1874 में डेहरी बांध का निर्माण, इस जो प्रथम बांध था वो यहाँ पे निर्माण किया गया था। इस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 ईस्वी में आरा के पास कई कोयलीवर में 1440 मीटर लंबा रेल सह सड़क पुल 1862 ईस्वी में निर्मित किया गया था। ठीक है, जो वर्तमान में अब्दुल वारी पुल के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल है ये कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, अब्दुल वारी पुल, जिसको पहले रेल सह सड़क पुल के नाम से जाना गया था। आरा के पास कोयलीवर में 1440 मीटर लंबा यह पुल था। चलिए 1990 में डेहरी के पास नेहरू पुल का निर्माण किया गया। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि कौन कौन सी चीजें किस किस नाम से जानी जाती हैं। फाल्गु नदी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। उद्गम स्थान इसका उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग में है, और संगम इसका गंगा नदी टाल क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इसकी मुख्य धारा क्या है, निरंजना या लीलाजन है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी है हमारी, ये फाल्गु नदी है, जिसके सॉरी फाल्गु नदी नहीं, इसकी मुख्य धारा जो कि निरंजना है या लीलाजन है, इसी नदी के किनारे, कौन सी, निरंजना नदी के किनारे है, ना कि फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, फाल्गु के नहीं, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद, कौन सी, मोहना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी के नाम से इसको बाद में जाना जाता है, जब ये कहाँ मिलती है, बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने से इसको फल्गु नाम से जाना जाता है। बराबर के पहाड़ियां जो कहाँ है आपके, जहानाबाद के पास, यह दो एव आगे चलकर अनेक शाखाओं में बट जाती है, जो कि क्या है, लोधर है, धनराजी है, खुरी है तथा लोकायन इसके क्या है, अनेक शाखाएं हैं। पुनपुन इसकी, पुनपुन नदी के बारे में चर्चा करते हैं। पुनपुन नदी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। उद्गम स्थान इसका झारखंड के पलामू जिले से होता है, कौन से, झारखंड के पलामू जिले से होता है। संगम इसका गंगा नदी फतुआ, फतुआ यानी पटना के पास आपको देखने को मिलता है। यह एक मौसमी नदी है, ग्रीष्म में यह सूख जाती है, यानी ये क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाली ये नदियां नहीं है, जो कि हर वर्ष भरी हुई रहती हैं जल से, ये वो वाली नदियां नहीं है। यह क्या है, एक मौसमी नदी है, यानी मौसम आता है तभी इसमें पानी आता है, और ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होता है, सूख जाती है। कीकट बमागधी के नाम से भी जानी जाती है। यह बिहार के गया जिले में प्रवेश करने के पश्चात औरंगाबाद, अरवल तथा पटना तक प्रवाहित होती है, पटना क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और गंगा के समानांतर प्रवाहित होते हुए फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी क्या हैं, मादन है, विलरो है, रामरेखा है, आत्री है, मोरहर है, धरधरा है,
तथा भूटाने आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना है? 8,530 इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। अजय नदी आपके बारे में चर्चा करते हैं, अजय नदी के बारे में, उद्गम इसका बिहार के जमुई जिले या फिर चकाई के बटपाड़ नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। यह झारखंड के देवघर जिले में पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद गंगा नदी में यह मिल जाती है। ठीक है, आइए कर्मनाशा नदी के बारे में जो हम चर्चा करते हैं। कुल लंबाई इसकी 192 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका कौन सा है? विंध्यन पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है ये, या इसे सारा दाग कैमूर, क्या है, सारा दाग कैमूर, ठीक है, इसे सारा सारो दो कैमूर जो आपका जिला है वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका उद्गम स्थल देखने को मिल सकते हैं और ये वहां से प्रवेश भी करती है। संगम इसका कहाँ है? नदी गंगा में इसका, नदी गंगा में चौसा बक्सर में इसका क्या है? संगम स्थल है। अर्थ क्या है इसका? कर्मनाशा का, कर्म का नाश करने वाला, यानी हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। यानी जो आपके शुभ कर्म है, अच्छे कर्म है, इसमें अगर आपने क्या कर लिया, स्नान कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके उन कर्मों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाश हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कर्मनाशा नदी कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर, उद्गम स्थल इसकी विंध्यन पहाड़ियों के पूर्वी भाग से निकलती है, सारो दो कैमूर जो क्षेत्र है उसके वहां से। संगम इसकी कौन सी नदी है? नदी गंगा में चौसा बक्सर में आकर ये जो क्षेत्र है वहां पर आकर ये मिलती है। अर्थ इसका कर्मनाशा का हमने देख लिया है। इस नदी को अपवित्र माना जाता है, ठीक है, क्यों माना जाता है ये हमने देख लिया है। क्यूल नदी के बारे में चर्चा करें तो उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। कहां से होता है इसका, कहां से होता है दोस्तों? उद्गम स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले के, गिरिडीह क्या, गिरिडीह जिले से, गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुआ है, या हजारीबाग के पठार से इसका हमें क्या देखने को मिलता है, उद्गम स्थल। और संगम स्थल इसका लखीसराय जिला के सूरजगढ़ के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां इसकी अंजन, हरोहर, बरनर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। सकरी नदी के बारे में चर्चा करें, उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी क्षेत्र से होता है, बिहार में नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट प्रवेश करती है। बिहार के गया, नवादा, पटना तथा मुंगेर जिलों में प्रवाहित होने के पश्चात यह क्यूल तथा मोरहर नदियों के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए, जो हमारी दक्षिण बिहार की नदियां थी वो हमने सारी की सारी कवर कर ली हैं। यानी इस तरीके से हमने कौन सी, दक्षिण और उत्तर बिहार की सारी जो हमारी नदियां हैं उत्तर और दक्षिण बिहार की, उन सभी को कवर यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अभी ये क्या है, ये थोड़ा सा हमने अंतर दर्शाने की कोशिश की है कि जो हमारी उत्तर हिमालय की नदियां होती हैं और दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण की या फिर कह लीजिए प्रायद्वीपीय जो हमारी नदियां होती है उनमें क्या क्या प्रमुख अंतर होता है। जैसे हिमालय के ऊंचे पर्वतों हिमालयों से इनका उद्गम स्थल होता है। इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हिमालय के ऊंचे पर्वतों हिमालयों से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक, अगर हम दक्षिण की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां पठार और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से निकलती हैं। मानसून वर्षा से ग्रीष्म ऋतु बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है, ये कहां कहां से पानी आता है इसका? मानसून से भी आता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से यहाँ पे पानी आता है। वर्ष ऋतु में ही जल प्रवाहित होता है और ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है, सूख जाती है। या फिर कह लीजिए मॉनसून में क्या है, इसमें जल प्रवाहित होता है और ग्रीष्म ऋतु में यह सूख जाती है। तरुण या फिर यंग अवस्था में यह रहती है, प्रौढ़ या फिर कह लीजिए ओल्ड अवस्था में यह रहती है। यानी यह हर साल दर ये क्या है, बहती रहती है, इसमें प्रवाह बना रहता है, इसमें प्रवाह नहीं होता है। इसमें प्रवाह तभी आता है जब मौसम होता है या फिर कह लीजिए वर्षा ऋतु होती है, जो हिमालय में गहरी घाटियों एवं खड्डों का निर्माण करती है। क्या करती है? गहरी घाटियों और खड्डों का निर्माण होगी जब कोई भी नदी क्या है धन हर समय बहती रहेगी तो गहरे गड्ढे भी बनेंगे, घाटियां भी बनेंगी। और ये क्या होती हैं? जो खुली छिछली घाटियों में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और क्या है, अपरदन मार्ग परिवर्तन और विसर्पण क्रियाएं
प्रभावी होती है। यहाँ पर अपरदन भी अच्छा होता है, मार्ग परिवर्तन भी आपने को देखने को मिला और विसर्पण भी यहाँ पे क्या है काफी अच्छा होता है। मार्ग इनका लंबा होता है, इस कारण डेल्टाओं, दलदली भूमि तथा गोखुर झीलों का निर्माण यह करती हैं। इनका प्रभाव पठार तथा संकरे मैदानों में ही होता है, घाटियां और मार्ग इनके स्थायी होते हैं। कठोर एवं अप्रवेश से चट्टानों से गुजरती है। भूगर्भ जल सीमित है, क्या है इसका जो भूगर्भ है, भूगर्भ जल है इसका क्या है वो सीमित सीमित आपको देखने को मिलेगा। और जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है, ये क्या है जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है जिसमें भौम जल यानी जो हमारा जो हम पानी निकालते हैं ना नल से, इसको बोलते हैं भौम जल के विशाल भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है जो हमारे भौम जल है, भूमि जल है, वो क्या है सीमित है। तो ये था हमारी नदियों के बारे में, हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया है और थोड़ा बहुत अंतर भी जानने की कोशिश की है कि उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, वाटरफॉल क्या क्या है आइए देखते हैं। पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को क्या कहते हैं, जलप्रपात या झरना कहते हैं। ये क्या है, मान लीजिए ये नदियां बह रही हैं और ये एक तीव्र ढाल है, यहां से ये एक ऐसा है और ये आपने देखा होगा कई सारे जो वाटरफॉल्स होते हैं, जलप्रपात होते हैं, झरने होते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, यहां से पानी आया और इस तरीके से यहां पे बड़ी ही तेज गति के साथ और तीव्र ढाल के साथ नीचे गिरते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं। ये पानी यहां से निकला और यहां देखिए अगर मंद ढाल होता तो धीमे धीमे बहता, धीमे धीमे बहता, लेकिन क्या है यहां पे इसका रास्ता फिनिश और फटाक से नीचे। ठीक है, तो यहां से कंटिन्यूटी के आधार पर क्या है पानी चलता रहता है, पानी चलता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं वाटरफॉल बोलते हैं या फिर झरना कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से जलप्रपात हैं, कहां कौन सी नदियों पर स्थित हैं और स्थान इसका कहां कहां है वो हम देख लेते हैं। क्या है शुक्लद, कौन सा है इसका, ये जलप्रपातों के नाम, नदियां और स्थान दिए गए हैं। शुक्लद्री ये आपका जलप्रपात है, कन्हरा आपकी जो नदी है वहां पर 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यूपी एमपी बिहार की सीमा रोहतास पर यह इसका स्थान है। धुआं कुंड 30 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 30 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कावा या फिर धोवा जो आपकी नदी है वहां पर और रोहतास स्थान पर यह स्थित है। दुर्गावती 90 मीटर की क्या है इसकी ऊंचाई है और दुर्गावती 300 फीट 90 मीटर या 300 फीट दुर्गावती जो आपकी नदी है उस पर स्थित है और छान पापर या फिर रोहतास जिले में यह स्थित है। रकीम कुंड या गाय घाट, ठीक है, रोहतास जिले में यह स्थित है आपका रकीम कुंड। ओखरी कुंड गोपत 300 फुट की ऊंचाई पर रोहतास जिले में, मंछर कुंड 110 मीटर की ऊंचाई पर सासाराम जिले में आपको देखने को मिलती है। देवदारी जो कि कर्मनाशा नदी है वहां पर रोहतास जिले में आपको यह देखने को मिलती है। काकुलत कोडरमा पठार से आने वाली धारा से क्या आने वाली धाराएं जो हमारी नदियां हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी और काकुलत नवादा जो आपका क्षेत्र है वहां इसका स्थान है। तेलहर कुंड दुर्गावती नदी के निकट है और कैमूर जिले में यह अवस्थित है। जिहार कुंड फुलवरिया नदी पर यह स्थित है और जिहार कुंड भोजपुर झारखंड का है, भोजपुर में यह आपको जो इसका स्थान है वो देखने को मिलता है। गरम जलकुंड कहाँ है, अधिकतर राजगीर गया मुंगेर में स्थित आपको गरम जलकुंड देखने को मिल सकते हैं। सामान्यतः इनका संबंध मृत ज्वालामुखी क्रियाएं या भूगर्भ से स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से होता है। जब आपका जो ये क्या है ज्वालामुखी है, ये आपका क्या है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का बीकर है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी समय इसमें क्या हुआ होगा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा। सामान्यतः इनका संबंध किससे है, मृत ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा। अब क्या है शांत हो गया होगा ज्वालामुखी, शांत हो गया होगा। तो ज्वालामुखी जब जब उद्गार होता है तो उसमें से कई सारे खनिज संसाधन, कई सारी चीजें यहां से निकलती है, तो इसी के माध्यम से यहां पर क्या है पानी के कुछ स्रोत भी देखने को मिलते हैं और यहां से जब जब ये पानी के स्रोत मिलते हैं और तब हम इसको क्या बोलते हैं गर्म जलकुंड कहते हैं। गर्म जलकुंड इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर क्या है ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और गर्म पानी के स्रोत यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मृत जलकुंड ज्वालामुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यहां से ज्वालामुखी उद्गार की कोई भी संभावना खत्म हो चुकी है, यहां से अब जो ज्वालामुखी है वो उद्गार नहीं होंगे।
ठीक है। इस जल में गंधक, खनिज तथा लवण पाए जाते हैं। तापमान इसका लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। मुख्यतः अग्नि एवं कायनांतरित शैलों में यह पाए जाते हैं, जैसे राजगीर सप्तधारा नामक 7 धाराओं से गर्म जल निकलता है। कौन सी? सप्तधारा नामक 7 धाराओं से गर्म जल निकलता है। अन्य अन्य क्या क्या है? ब्रह्मकुंड 87 डिग्री सेल्सियस बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। कौन सा? ब्रह्मकुंड 87 डिग्री सेल्सियस बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सूर्य कुंड भी है, मख धूम कुंड भी है, गोमुख कुंड भी है, नान कुंड भी है, ये क्या है? लक्ष्मण कुंड भी है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है, भरारी कुंड है, ये आपके कई सारे जो कुंड आपको देखने को मिलेंगे। 62 डिग्री सेल्सियस मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। गया अग्निकुंड, जो अग्निकुंड है आपका वो कहां पर स्थित है? गया में है। मुंगेर में आपका लक्ष्मण कुंड स्थित है। ये आपके आपके कुंडों के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। अब झील के बारे में देख लेते हैं कि कांवर झील क्या होती है। देखिए और क्या बचा हुआ है, हाँ ये आपकी झीलें बची हुई हैं कि जो आपकी कांवर झील होती है ये क्या है? बेगूसराय जिले के मंचोल गांव में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील के नाम से कांवर झील को जाना जाता है। निर्माण इसका बूढ़ी गंडक के विसर्पण से। शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? बूढ़ी गंडक के विसर्पण से होता है। और शीत ऋतु में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं। यहां शोध कार्य के लिए एक वर्ल्ड वेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। कौन सी? वर्ल्ड वेडिंग स्टेशन की। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वेडिंग स्टेशन की स्थापना किस पर की गई है, तो आप बताएंगे कांवर झील पर की गई है। इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सिमरी झील बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। निर्माण इसका सरदिया जुमेनिया कुमीवी तथा गोबरा झीलों के मिलने से होता है। आकृति इसकी घोड़े के नाल की तरह होती है। घोड़े की नाल कैसी होती है दोस्तों? घोड़े की नाल की तरह इसकी आकृति है। जगतपुर झील भागलपुर जिले में स्थित है। क्षेत्र इसका 400 हेक्टेयर, जो गर्मी में 50 हेक्टेयर तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। गर्मी में क्या हो जाता है? 50 हेक्टेयर तक हो जाता है और 400 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। गोगाविल झील जो आपकी है कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। क्षेत्र इसका क्या है? लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे जल मानसूनी वर्षा प्लस महानंदा नदी से प्राप्त होता है। कहां से होता है? मानसूनी वर्षा और महानंदा नदी से। इसे घोंगाचाप या घोंगा झील भी कहते हैं। कौन सी? घोंगाचाप या घोंगा झील भी। अभी ये जो आपकी सारी चीजें हैं वो यहाँ समाप्त हो गई हैं। आगे हम चर्चा करेंगे आपके अन्य चीजों के बारे में। ये आपकी जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? वन्य जीव के बारे में हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। चलिए समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। कई सारी चीजें यहाँ देख ली हैं, झीलों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, जलकुंड के बारे में और नदियों के बारे में हमने यहाँ पे खुल के चर्चा की है। इतनी ही चीजें आपकी महत्वपूर्ण है। आगे हम चर्चा करेंगे आपके वन्य एवं वन्य जीवों के बारे में। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कंप्लीट बीपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आइए हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और सारी की सारी जो चीजें रहेंगी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और चीजों को देखते रहिए कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, तो लोग इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो वो दीजिए और इन चीजों को उन तक पहुंचाइए जिसके उपयोगिता या फिर ये संसाधन उन तक नहीं है, उन तक आप ये चीजें पहुंचा सकते हैं और उनके सपनों में थोड़ी सी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी।